इंदौर में करीब 100 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने के बाद निगम ने लगभग 531 कॉलोनियों के टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। आपको बता दें कि सराफा बाजार स्थित महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कॉलोनी के संपत्ति कर की रेट जोन में बदलाव को लेकर कहा कि शहर में अच्छे काम के लिए टैक्स स्लैब का युक्तिकरण की नई परिभाषाओं को घटता है, इसलिए आवश्यक है और उसी के आधार पर कार्य किया जा रहा है। मेयर ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अभी बौखलाई हुई है और हार की ओर उनकी तैयारी है, इसलिए कांग्रेस अनर्गल मुद्दे उठा रही है। आपको बताते हैं कि करीब 531 कॉलोनियों की लिस्ट जारी कर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने बीते दिनों महापौर की कार्यप्रणाली पर सवाल किए थे, जिसको लेकर मेयर ने कांग्रेस पर जुबानी पलटवार किया है। शहर में अच्छे काम के लिए टैक्स स्लैब का युक्तिकरण विकास की नई परिभाषाओं को गढ़ता है और इसलिए वो आवश्यक है और ये मांग सब लोगों से आती रही है, उस आधार पर ये काम किया है और कांग्रेस अभी बौखलाई हुई है, हार की तरफ तैयारी है उनकी, इसलिए वो ये अनर्गल मुद्दे उठा रही है। इंदौर से नीरज बुरासिक रिपोर्ट।